ये वो निंदनीय है, लेकिन उसको एक साजिश के तहत घटनाक्रम को घटित करना ये भी तो एक निंदनीय है। हमको दिखाया कुछ और जा रहा है और वास्तविकता कुछ और है। पेपर में कुछ और आ रहा है, वहाँ के लोग अलग बात कर रहे हैं। अब इसमें साजिश में मोहरा बनाई जा रही है वहाँ की महिलाएं, जिनको खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, उनके साथ में रेप करने की धमकियां दे रहे हैं। ये दंडन निंदनीय है, ये चिंतनीय है। ये क्या था मामला और महिलाएं बच्चियों पर क्यों आ गई ये बात? आखिर क्या है ये साजिश, समझने की आवश्यकता है। आज वहाँ की महिलाओं से जब यहाँ उज्जैन कलेक्ट्रेट के सामने हम लोग बैठे बात करी तो पता चल रहा है कि उनको मजदूरी के नाम पर बोल रहे हैं कि जब आएंगे तो उनके साथ में रेप करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, और प्रशासन इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। इतना इतना चिंतनीय सब्जेक्ट है, क्यों नहीं बोल रहा है प्रशासन? किसका सहयोग कर रहा है प्रशासन? क्यों नहीं इनका सपोर्ट कर रहा है? ये भी एक सोचनीय वाली बात है। महिलाएं बोल रही है कि रात में प्रशासन के कुछ लोग आते हैं, उन वहाँ घूमते हैं, उनके लोगों को ढूंढते हैं। तो प्रशासन के साथ में जब महिला कांस्टेबल नहीं है तो किसी के घर में आप कैसे प्रवेश कर रहे हो? क्या प्रावधान सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग का है, जातिगत लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए ये प्रशासन है? तो फिर प्रशासन निष्पक्ष भाव से उस जो भी घटना है उसकी जांच करे, पड़ताल करे, और दोषी अगर दोनों पक्ष के लोग हैं तो दोनों पक्ष के लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। अब यहाँ बात करने से पता चला है कि एक पक्ष के 22 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं और एक पक्ष के एक भी व्यक्ति अंदर नहीं बैठा है। तो अब बताइए कि घटना ऐसे ही घटित नहीं हुई है, उसे भड़काया गया था, और जब भड़क गए लोग, उन्हें आज भी यही बोला जा रहा है, उनकी महिलाओं को गाली दी जा रही है, उनकी बच्चियों के साथ में कुछ मतलब रेप करने की आप धमकियां दे रहे हैं, तो कोई भी परिवार का युवा है, पुरुष है, वो चुप नहीं बैठेगा। हर घर की महिला ही वहाँ की ताकत होती है, वहाँ की हिम्मत होती है, वहाँ का मान सम्मान होती है। आज मान सम्मान की बात अगर महिला पे है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ का युवा आक्रोशित होगा। उसे आक्रोशित ना करे इसके लिए प्रशासन निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करे और दोनों पक्षों के जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे और इस घटना को बढ़ने से रोके। बस यही निवेदन करना चाहूंगी मैं आपके माध्यम से।